चेंजेस आई है इकोनॉमी में, करेंसी चेंज हो रही है, तो लाइक इसके बारे में क्या कहना है आपको? लाइक आपको ये ठीक लग रहा है कि लाइक पीपल कुछ कुछ अभी सफ़र कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये ठीक डिसीजन लिया है? देखिए, मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक है या गलत ये अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगा जब तक कि मुझे इसके रेपरकशंस नहीं दिखाई देते। फिलहाल जो इसका रेपरकशंस जितने भी आ रहे हैं वो मुझे ये लग रहा है कि आज मेरे पास कुछ भी कैश नहीं है, बिकॉज़ मैं रोज़ शूटिंग पे आता हूँ, सुबह और रात को पहुँचता हूँ, तब भी लाइन, मैं जब सुबह निकलता हूँ 7 बजे तब भी लंबी लाइन होती है 1 किलोमीटर की, जब रात को घर जा रहा तो 10-11 बजे तब भी लाइन होती है, और बहुत सारी जगह पे ATMs में कैश ख़त्म हो रहा है, विड्रॉ लेवल बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में इंसान का नॉर्मल खर्चा एक दिन का 1000 रुपये, तो अगर 2000-2500 रुपये अगर लिमिट है तो उसमें काम नहीं होता। आई एम लेफ्ट विद नो कैश। सो एक नॉर्मल आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जहाँ कि आप दूसरी जगह देखो आपको कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पॉलिटिशियन आपको लाइन में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज उनके घरों पे दे आर क्लिकिंग सेल्फीज़ विद यू नो बंडल्स ऑफ नोट्स, उनके पास उनके लिए लिमिट क्यों नहीं है? लिमिट एक आम आदमी के लिए, एक गरीब इंसान के लिए क्यों है? ये इसका इंटेंशन बहुत अच्छा है। आई रियली सपोर्ट माई प्राइम मिनिस्टर, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस, बट जो इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया है प्रॉपर तरीके से, एग्जीक्यूट जो किया गया है, मुझे उसमें थोड़ा सा मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है, बैंक्स बहुत ज़्यादा और सेवाएं दे सकते हैं जिससे गरीबों को, क्योंकि कोई बेचारा दवाई नहीं खरीद पा रहा है, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कैश, जो बेचारे गरीब उन्होंने अपनी मेहनत से वो जो पैसे बचा के रखे हुए हैं वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और दे आर नॉट एबल टू पे द हॉस्पिटल बिल्स और दे आर नॉट एबल टू बाय मेडिसिंस, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो थोड़े बहुत प्रावधान इसके लिए होने चाहिए थे गरीबों के लिए, बाकी इंटेंशन तो हमारे मोदी जी का बहुत अच्छा है इसके पीछे, और इसके फ़ायदे भी होंगे ये भी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम और ये सब जो है वो अच्छा और होता तो शायद मैं सेटिस्फाइड होता। So, आपको क्या लगता है कि ये इंतज़ाम में कहीं गवर्नमेंट छोटी पड़ गई कि लाइक आम पब्लिक ही इतना रूमर्स और इतना सब कुछ स्प्रेड करे? आम पब्लिक नहीं, रूमर्स तो कुछ भी नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर, देखो रूमर्स कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे अभी आया था कि नमक काफ़ी महंगा होने वाला है नमक, बिकॉज देखिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर अचानक ऐसे हो जाती है तो वो ज़्यादा मुनाफाखोरी के लिए वो लोग ऐसी चीज़ें फैला देते हैं, और गरीब को बेचारे को नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को ये वहम था कि अब जो हमारे पास ये नोट है ये कभी नहीं चल पाएंगे, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है सबको कि प्रॉपर अगर इसका सबको बताया जाता गरीबों को, या ऐसी कोई पैम्फलेट बांटे जाते, या गरीबों को जाके कुछ NGO वाले या सोशल वर्कर्स जाके उनको बताया जाता अच्छे से कि आपके ये नोट चलेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हार्ट अटैक में मर गए गरीब, उनको लगा कि हमारा ये 500-1000 का नोट कभी नहीं चलेगा, दे डिडंट नो कि इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, उनको लगा कि अब ये नहीं चलेगा, सो दे डाइड। तो उनको वो सदमा हो गया कि अब तो हमारे पास जो 5000 रुपये ही अगर किसी के लिए है, किसी के पास है, उनको लगा कि अब हमारे 5000 रुपये कभी नहीं चलेंगे, दे डिडंट नो कि इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। सो उस शॉक में बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो इन्फॉर्मेशन लोगों को सही और ज़्यादा तौर पर मिलनी चाहिए थी, वो ओवरनाइट हो गया और गरीब तो बेचारा शॉक में मर जाएगा ना। सो ये चीज़ें मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा लैक किया, बाकी इंटेंशन नो डाउट इंटेंशन बहुत अच्छा है इससे। मैं कश्मीर से हूँ तो मुझे पता है कि टेररिज्म पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, और जो नकली करेंसी घूम रही थी बहुत ज़्यादा वो बाहरी देशों की तरफ से आ रही थी, उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन आम पब्लिक को इस सबसे नहीं मतलब होता है। आम पब्लिक यही सोचती है कि मैं सब्जी खरीद लूँ, दवाई खरीद लूँ, उनको इतनी बड़ी चीज़ समझ में नहीं आती जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनको ये सब चीज़ें, ये फंडे उनको बड़े समझ में नहीं आते, उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं दाल खरीद लूँ, चावल खरीद लूँ, सब्जी खरीद लूँ, जिसके बच्चे भूखे होंगे वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो मेरा यही टेक है कि इंटेंशन बहुत अच्छा है।